शाहरुख खान का एंट्री यहाँ पे दे चुका हूँ टॉय ट्रेन पे, जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे काफी लोग शूटिंग कर चुके हैं। आई लव दार्जिलिंग यहाँ का आकृति है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने हीरोइन को, हीरोइन तो काफी ज्यादा भारी है लेकिन फिर भी मैंने उठा लिया, क्योंकि मैं एक जवान लड़का हूँ जवान लड़की के साथ। और यहाँ पे मेरे फैन सर्कल भी आए मुझसे फोटो लेने के लिए। अभी हो चुका है लड़की को लाने का टाइम। यहाँ पे फाइनली सज धज के पूरा नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस पे आ चुके हैं, और साथ ही मैं भी अपना ड्योरी कोट लगा के, ड्योरी गमछा लगा के मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। अभी हम दोनों का शादी का एक शॉट है, जो सभी को पता ही है। हम लोग का एल्बम शो चल रहा है, और साथ ही साथ दो तीन बच्चे भी इस पास पास देखने के लिए मुझे आए। और यहाँ पे सभी लोग, क्योंकि आज लास्ट शूट है, जो भी हो लेकिन इतना कम समय पे हम लोगों ने एक दिन में ही शूटिंग पूरा कंप्लीट कर दिया। बहुत ही अच्छा से यहाँ पे आके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और लग रहा हूँ ना, मैं पता नहीं कौन सा जन्म पे मैं भी शादी करूंगा दोस्तों, करूंगा कौन सा जन्म पे नहीं, इसी जन्म पे करेंगे, लेकिन कितने सालों के बाद करेंगे, क्योंकि शादी जन्म मित्रु किसी को नहीं पता चलता है ये तीन कब हो जाता है। तो आई होप आप लोग भी अगर सिंगल हो तो गाइस मुझे डीएम करो, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ आप लोगों का मोनू गाइस। फाइनली दोस्तों बहुत ज्यादा रुकते रुकते फाइनली पैकअप हो चुका है, और ये बन चुका था मेरा ससुर, और यहाँ पे मेरा ससुर बुरी तो बहुत भयानक है यार। ससुर बुरी धमाधार धमाकेदार रोल फाइनली अभी हो चुका है। आंटी थैंक यू सो मच, आपका घर पे शूटिंग किया, थैंक यू। चलो अच्छा बात है। और अभी हम लोग जाने का तैयारी हो चुका है, अभी हम लोग का यहाँ से निकलना पड़ेगा डायरेक्ट दार्जिलिंग। ना दीपा कलाल चलो, सुंदर सुंदर लड़की लोग, बाय बाय। हाँ और मेरा एक्ट कैसा था है? अभी जाने का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे अंकल आंटी है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपका घर पे बहुत जरा रेस्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। अरुणाचल प्रदेश कभी जाना तो मेरा नाम पूछना और मेरा गांव घुस के आना। चलो अभी चलते हैं, रास्ता पता नहीं और इस तरफ से नहीं आया था, उस तरफ से है क्या रास्ता? और यहाँ पे शूटिंग कंप्लीट होने का बाद, पैकअप होने का बाद तो काफी ज्यादा मतलब फ्रूटी लगता ही है, पूरा हंस हंस के जा रहा हूँ, वेरी टायर्ड। और आज है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे भी आज थोड़ा बहुत शूटिंग, दो तीन शॉट लेना पड़ेगा बोला है। तो हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा दार्जिलिंग का ही एक जगह पे, बहुत ही सुंदर जगह है, जगह का नाम मैं भूल गया, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं बहुत ही मजा से, सुबह सुबह उठ के टैग देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो फोगी काफी ज्यादा ठंड है, फिर भी जाके बहुत ज्यादा मजा लग रहा है। मेरे जो दोस्त लोग है वो सभी लोग इतना एनर्जेटिक है बोलो ही मत। पीछे में देख सकते हो 14 और 14 का गर्लफ्रेंड, और हम सभी लोग जा रहे हैं शूटिंग प्लेस में, कुछ ही पलों के बाद पहुंचने ही वाले हैं। काफी सुंदर हम लोग गार्डन पे आए हैं, यहाँ पे देख सकते हो काफी सुंदर है, वाओ। ये क्या है? ये एक क्या बोलते हैं, गोरखा का स्टोर। डायरेक्टर सर यहाँ पे सिखा रहा है कि मोनू तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो मैंने तो अपना ब्रेन में खोपड़े पे मैंने घुसा लिया है। यहाँ पे देख सकते हो सारा का सारा आदमी घूर घूर के देख रहा था, कि मतलब बहुत ही राफ टॉप से हम लोग का शूटिंग चल रहा था, कैमरा बहुत ही ज्यादा दूर में था, और हम दोनों पूरा एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पे आदमी लोग सोच रहा था रियलिटी है ना, कैमरा शूटिंग कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ टेक बाय टेक पूरा दे रहा था, और यहाँ पे मेन पॉइंट पे ही हम लोग खड़ा था, और यहाँ पे पूरा इशारा कर रहा था, 1 2 3 कर रहा था, फिर से नहीं हो रहा है, एक बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है। शूटिंग ऐसे देखने के लिए ही मतलब बहुत इजी है, लेकिन करने में बहुत ज्यादा टफ है प्यारे दोस्तों। 20-20 में कभी कभी आंटी लोग आ जाता है, 20-20 में कभी लोग बहुत ज्यादा लोग आ जाता है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। ये है आई लव दार्जिलिंग, यहाँ पे देख सकते हो ये है सिंबल, और वहां पे लव है साइड में, अंकल आंटी दोनों बहुत ही लव का बीच, लव है बीच में, और साइड में अंकल आंटी चश्मा लगा के इस पूरा फोगी पे बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा है, वाओ। हम लोग का शूट चल ही रहा था, एक्चुअली ये फोगी आ गया तो कैमरा पे मतलब इतना निदन क्लीन आता नहीं है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। अंकल आंटी कैसा लग रहा है यहाँ पे घूम के? दार्जिलिंग बोल रहा है कि इधर जाओ, आई लव दार्जिलिंग। फाइनली दोस्तों बहुत ही अच्छा हूँ, आप किसे हैं? कहाँ से हो? मैं बिहार से मनु है, बिहार से। वाह यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग का पिकअप हो चुका है, अभी चलते हैं अलग जगह पे। हम आपको देखते हैं, सनातन भाई का भी देखते हैं। अच्छा मुझे देखते हो आप? अच्छा कहाँ से हैं आप लोग? फोन रखे हैं आप?
अच्छा वाह 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 वाह। सनातन भाई और उनकी जो सिस्टर है हाँ सावित्री सावित्री अच्छा चलो अच्छा बता थैंक यू आंटी वाह यहाँ पे भी फ्रेंड सर्कल मिल रहा है काफी अच्छा लग रहा है झारखंड का बिहार बिहार का अच्छा चलो अच्छा बात है ओके एंजॉय योरसेल्फ चलो काम है ओए और मेरा ये फेवरेट ड्रेस मयूर पंख के साथ फिर से ये ड्रेस फेंकना पड़ेगा यार हो गया बहुत पहन लिया बहुत बार पहन लिया अभी सिर्फ तो अभी आपका कौन सा वो अभी अभी मेरा एंट्री होगा देखो यहीं पे शाहरुख खान का भी एंट्री हुआ था दिल देखा तो ये जाना शनम बाप रे बाप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ शूटिंग बिल्कुल भी और अभी यहाँ से मतलब अभी ताले हाथ जा रहे हैं हम लोग कुछ अभी भी बाकी है अभी आधा घंटे के बाद फिर से रीशूट होगा और अच्छा लग रहा है बस एक्चुअली हम यहाँ के ट्रेन टॉय ट्रेन है यहाँ पे ट्रेन सुबह से कुछ नहीं खाया दार्जिलिंग का प्याज सॉप और ये टॉय ट्रेन को हम लोग रुकते 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 फाइनली टॉय ट्रेन पहुंच चुका है यहाँ पे बहुत ही कम समय पे हम लोगों ने एक टेक पूरा मार लिया शूटिंग करने के लिए क्योंकि ये वाला क्लिप हम लोगों को चाहिए होता है कुछ इस प्रकार से तो हम लोग रिहर्सल करके भी हो गया होने के बाद अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टेक को मारते हैं मारने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस ट्रेन पे बहुत लोग शूटिंग किया है बर्फी मूवी शूटिंग किया है मतलब बहुत मूवी शूटिंग है मुझे देखा है ये जाना सनम वो वाला मूवी किया है दार्जिलिंग बहुत मतलब बहुत मूवी किया है बॉलीवुड के इस ट्रेन पे तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये ट्रेन फाइनली कंप्लीट हो चुका है अभी रास्ते पे दो दिन शॉर्ट होता होगा पता नहीं कंप्लीट जाना ही है यहाँ से दार्जिलिंग से और तो कब मैं चले जाऊंगा अपना घर पे शूटिंग कंप्लीट होने का बाद मोमो टेस्ट करो ना 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 ओ भाई यार ये तो कानी का फूल है कानी का ये कानी का फूल है बाप रे बाप कान का पर्दा कान का पर्दा पड़ने वाला था लेकिन हम लोग यहाँ पे शाहरुख खान का एंट्री खत्म हो चुका है सीन अभी चलते हैं डायरेक्ट डबिंग के लिए उसका बाद डबिंग करने का बाद मीटअप भी है तो मीटअप का वीडियो कल को आएगा लेकिन आज को नहीं और वही है ट्रेन चला गया अभी हम लोग अभी फरारी पे जाने के टाइम हो चुका है गाड़ी पे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है फोटो सोटो खींचना इतना शौक नहीं है मेरा इसलिए ज्यादातर फोटो वगैरह पोस्ट नहीं मिलेगा लेकिन वीडियो बेस्ट कर रहा हूँ बस बाप रे बाप गार्डन से हम लोग पूरा पैदल ही आ रहे हैं गाड़ी पता नहीं कहाँ में है फॉर्च्यूनर जेमिमा हाय हाय क्या नाम है यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम है लेकिन सीरियसली बताओ तो पार्किंग ही नहीं है जगह ही नहीं है यहाँ पे पार्किंग करने के लिए और दोस्तों यहाँ पे हम वे ही कर रहा था यहाँ पे एक डाई हार्ड फैन मिला हेलो कैसे हैं अच्छा चलो हम लोग सब कुछ देखे हैं मेरे यहाँ पे आने वाला भी देखा सब देखा अच्छा सब हमने देखा अच्छा आइएगा अच्छा ये आप लोग का रेस्टोरेंट है और ये कौन ये आपका हस्बैंड है बाप रे बाप अभी टाइम होने से तो आपका रेस्टोरेंट पे पूरा खा के जाना था पेट भर के लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है थैंक यू सो मच ओके चलते हैं आप बोले कि दार्जिलिंग आएंगे आगे बहुत सपना पूरा हो गया देख रहे थे आप ही होंगे अच्छा थैंक यू सर ओके वेलकम बाप रे बाप ये है होटल दार्जिलिंग पे आने का टाइम पे प्लीज गाइस घुसिएगा यहाँ पे है होटल ओके बाय बाय इसी के साथ उस गार्डन से हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं अपना होटल की और होटल पे रहने के बाद फिर से शूटिंग है आज लास्ट डेट है इसलिए तो जा रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम पे और यहाँ पे दार्जिलिंग का एक यूट्यूबर जो मुझे मिलने के लिए आया था थैंक यू और मेरा मीटअप पे जाओगे कि नहीं मीटअप पे
सोचूंगा क्योंकि मैं मेरे को जाना पड़ेगा ना जल्दी जल्दी घर पर खाना पड़ेगा ना चलो अच्छा बात है अच्छा ये जो क्लॉक देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पे शूटिंग हुआ था बर्फी का मूवी जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा था और एक पता नहीं कौन था भूल गया मैं यहीं पे शूटिंग हुआ था बर्फी का मूवी और रेलवे स्टेशन में हुआ था और हुआ था बहुत 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 बहुत, बहुत जगह पे आ जा पिया आ जा अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस घूमने सो रास्ता गाइस चार 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 के पैर पूरा दुखने वाला है बाप रे बाप कितना चढ़ना पड़ेगा अभी उधर एक मिनट हाँ चलो 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 पहाड़ चलो वाओ ये जगह का नाम क्या है एग्जैक्टली चौरास्ता हेलो श्योर 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 वाइनर 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 बाप रे बाप और दिन खींच दो ना फोटो गाइस काफी अच्छा लग रहा है घुमाओ कैमरा में कैमरा कैमरा सो यहाँ पर हमारे मोनू जी अपने फैंस के साथ मिल रहे हैं हाँ जैसे वो आ गए तो सब लोग इतने एक्साइटेड हो गए वाओ यहाँ पर डेटिंग मारने के लिए बहुत ही मजा है ये जगह तो फाइनली दोस्तों हम लोग का शूटिंग पैक अप हो चुका है पिकअप हम लोग का शूटिंग आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना और हम लोग का एल्बम बहुत ही जल्द आ रहा है जैसे एल्बम आएगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो बस आज का वीडियो इतना ही था बहुत लंबा हो गया वीडियो लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों ना और अच्छा लगा और हीरोइन में नाम कैसा लगा बहुत ही अच्छा लग रहा है आज बहुत अच्छा फीलिंग गुड ओह माय गॉड तो ये हो चुका था मेरा हीरोइन था अभी पता नहीं था है रहेगा चलो आप लोग शादी भी किया ना हम लोगों ने शादी भी किया बच्चे भी है ना बच्चे भी है बच्चे नहीं है करेंगे बच्चे और गोवा में हनीमून का टिकट तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे अभी अभी हमें नम नम जाएंगे ओके चलो बाय 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 ओके और यहाँ पे कैमरामैन सर सर कुछ कैसा लगा काम करके बहुत अच्छा है आप तो बहुत एक्सपीरियंस है ना आपको लो आप तो आपको तो कुछ भी सिखाने नहीं पड़ेगा वाओ थैंक यू मजा आया एकदम थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट और आप बताओ और डायरेक्टर सर इतने छोटे समय में मोनू जी ने इतना वंडरफुल काम किया कि बस मुझे कट बोलने का मन ही नहीं है अच्छा ये इतना बेस्ट इनका पार्ट और फिर से करेंगे हम लोग ओके श्योर फिर से शूट करेंगे डायरेक्टर सर यस एंड ये बहुत बहुत टैलेंटेड है बहुत ही ज्यादा हाँ बहुत ही ज्यादा थैंक यू फिर आएंगे दार्जिलिंग आप श्योर पक्का थैंक यू और आप सभी को जितने भी लोग देख रहे हैं इनको और बहुत 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 ज्यादा प्यार दीजिएगा बाय बाय गाइस Bye-bye, guys. Bye-bye.